अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने वाले हैं। देश के कोने कोने से राम भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। राम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर अयोध्या आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस तैयारियां और ठोस रणनीति बनाई हुई है। कोई भी बिना अनुमति के रामोत्सव में ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे। साथ ही संवेदनशील एरिया में सीआरपीएफ, यूपी, एसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस मौजूद रहेगी। श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अयोध्या हमेशा से संवेदनशील क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर पहले से ही सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोग अपनी सुरक्षा ड्यूटियों को जो भूमिका देते हैं और उसके बाद उसकी सम्यक उसका अनुसरण करते रहते हैं। इसमें हमारे पास सीआरपीएफ, यूपी, एसएसएफ, पीएसी और सिविल पुलिस के कंपोनेंट्स की अपनी एक सिक्योरिटी स्कीम के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसमें विभिन्न तकनीकी आयामों का भी समावेश किया गया है और हमने इसमें फोर्स मल्टीप्लायर्स को भी जगह जगह पर ऐड किया हुआ है और उस समेकित रूप से उद्देश्य यह है कि हम सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें और साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके साथ एक बेहतर व्यवहार लोग फोर्स के लोग कर सकें, इसके आशय का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया।